द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानि हम बात करेंगे नेशनल uh, पार्क्स की वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज की बायो रिज़र्वस बायोस्पियर रिजर्वस क्या क्या होते हैं जीवोलॉजिकल पार्क्स किसे कहते हैं बॉटनिकल गार्डन्स किसे कहते हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अवर एफर्ट्स मीनस इंडिविजुअल एफर्ट्स वॉट कैन वी डू टू कंजर्व अवर प्लान्ट एंड द एनिमल्स

फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये स्टार्ट हुआ था करीब नाइनटीन फोट फोर्टी एट के आजू बाजू एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो सोचता है कि हम नेचर को कैसे बचा सकते हैं द रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक इट इज द लिस्ट

दे आर डिडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स जो ये स्पीसीस जो होते हैं जो रेड डाटा बुक में है वो अलग 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 ग्रुप्स uh, में हमने इसको डिवाइड किया है तो पहला ग्रुप है हमारा एज एक्सटिंकट ग्रुप सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सटिंक्ट लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट डोडो डोडो बिकेम एक्सटिंक्ट एक्सटिंक का मतलब क्या होता है नो में स्पीसीज इज फाउंड आइदर इन द वर्ल्ड और इन द जूस ये एनिमल कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं पाया जाता उसको हम कहते हैं एज एक्सटिंक्ट राइट एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हमारा दूसरा है मतलब क्या है के ऐसे मेंबर्स नो मेंबर्स ऑफ दिस पीपल स्पीसीस इट इज फाउंड इन द वाइल्ड जंगलों में ये हमको पाया नहीं जाता मगर हां पाया तो जाता है मगर कहां पर पाया जाता है दे आर फाउंड ओनली इन द जूस और इन द बॉटनिकल गार्डन जहां पर उनको कंजर्व करके रखा गया है द नेक्स्ट इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीस एंड दिस स्पीसीज दे आर क्लोज टू बींग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड जंगलों में ये बहुत 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 ही कम है तो उसको हम कहते हैं एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज तो एंडेंजर्ड में कौन कौन आते हैं द स्पीसीज दैट आर फाउंड इन वेरी लो नंबर्स इन द वाइल्ड बहुत 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 कम अगर जंगलों में पाया जाता है और अगर वो मर रहे हैं इफ़ दे आर डाइंग वेरी फास्ट

वर्नरेबल फिर आता है नियर थ्रेटन एंड नियर थ्रेटन मीन्स वॉट दी स्पीसीज दे आर लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज थ्रेटन सोन अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये थ्रेटनड स्पीसीज में आ जाएगा बाद में थ्रेटन के बाद ये में भी आ जाएगा क्रिटिकली एंड डेंजर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड सब में आ जाएगा और बाद में एक दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा मतलब कम प्रोपोर्शन में है तो इसका ध्यान रखो करके और फिर लास्ट में आता है एज लीस्ट कंसर्न लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या होता है के द रिस्क ऑफ दिस दे आर बिकमिंग थ्रेटनड इज वेरी लो रिस्क इसका बहुत कम है एंड अकॉर्डिंग टू दिस द ग्रुप्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड ओनली एंड वर्नरबल दे आर अ ग्रुप्ड इन टू थ्रेटनड ग्रुप थ्रेटन ग्रुप में हमारे आते हैं और हमारे यहाँ नियरली टू हंड्रेड एंड फिफ्टी स्पीसीज मतलब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में नियरली टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन स्पीसीज जो है वो थ्रेटन में आते हैं और टू थाउजेंड फोर्टीन के आजू बाजू आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ये कहा ये बताया हमको कि सम ऑफ दिज दे आर इन दू सी एन लिस्ट तो यहाँ पर थोड़े हमारे यहाँ पर एनिमल्स दिया दिए गए हैं जो हमारे आ रहे हैं एज थ्रेटर्न इन इंडिया तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज द बंगाल टाइगर विच यू कैन सी बंगाल टाइगर this this uh, is the vulture it is the white rumped vulture right and uh, this is what you see over here it is the bass porchard bass porchard this is the gharial what you can see over here then uh, uh, this uh, you, you can see over here this is what is the uh, snow leopard which has, uh, which you can see over here this what you can see over here is the leatherback sea turtle. This is the uh, beautiful spider that you can see over here. Uh, so these are some of the. Uh, this is actually the Guti tarantula. Okay, this is the uh, Guti tarantula, and uh, which you can see over here. This is again the Bengal tiger, as uh, I have informed you earlier. Right, so. सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स इन इंडिया वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट सो इन इंडिया देर आर मैनी 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 एनिमल्स दैट आर एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड में आते हैं तो कौन कौन से एनिमल्स हमारे एंडेंजर्ड में आते हैं तो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है जो एक बहुत ही हैवी फ्लाइंग बर्ड है दुनिया का और जो सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है इट इज़ कंसिडर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल फिर बेस पोर्चार्ड मैंने आपको अभी अभी उसका फोटो दिखाया था राइट तो ये बोर्स पोर्चार्ड है ये एक टाइप का डक है जो डाइव करता है सो इट इज अ डाइविंग डक और कहाँ पर पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल ऑफ इंडिया फिर आता है हमारा गेंजिस शार्क और ये गेंजिस शार्क है वो फ्रेश वाटर स्टार शार्क है यानी फर्स्ट फ्रेश वाटर में रहता है तो कौन से फ्रेश वाटर में रहता है तो ये गंगा नदी में रहता है फिर आता है हमारा घरियाल इसका भी फोटो मैंने आपको दिखाया था सो दिस घरियाल इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिश ईटिंग प्रोकडाइ इट इज़ अ फिश ईटिंग क्रोकोडाइल एंड कहाँ पर ये पाया जाता है इट इज़ फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो so, ऐसे तो बहुत सारे और भी है विचार अदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स सच एज द मलबार सिवेट द पिक हेडेड डक द हिमालयन क्वेल द गुटी ट्रंटूला इसका फोटो मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया सम अदर एनिमल्स दैट आर थ्रेटनड इन इंडिया जिसको Uh, कोई ना कोई तरीके से उसको थ्रेटन किया जाता है एंड दे विल बिकम एक्सटिंकट इफ़ वी डू नॉट कंजर्व दे तो ऐसे थोड़े एनिमल्स है तो कौन कौन से एनिमल्स है वो देख लेते हैं तो क्रिटिकली थ्रेटन में आते हैं हमारे एशियन एलिफेंट है ना उसके दांतों के लिए इनको मारा जाता है बंगाल टाइगर इसके स्किन के लिए मारा जाता है द क्लाउडेड लेपर्ड एंड द इंडियन बाइसन है द uh, नीलगिरी लंगूर है नीलगिरी टहा है रेड पांडा है स्नो लेपर्ड है टिबेटियन एंटेलॉप है याक है ये सारे हमारे आते हैं एज थ्रेटर्नड इन इंडिया और रेड डेटा बुक में हमको दिया गया है एंड इट वॉज ऑल्सो प्रूवड बाई द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ़ नेचर ये हमको टू थाउजेंड फोर्टीन में ऑलरेडी उन्होंने हमको बता दिया था कि ये अब ये नियरली एक्सटिंक्ट होने को आए हैं दे आर थ्रेटन इन इंडिया तो हमको इसको कंजर्व करना है तो अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन

बिकॉज देर आर मैनी 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 एनिमल्स विच आर गेटिंग एन डेंजर्ड एंड एक्सटिंग हमको उसको बचाना ही है कैसे कर कैसे भी करके तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो फॉरेस्ट में हो रही है उसको हमको कम कर देनी है या उसको रोक देना है सो दैट द इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आर नॉट अफेक्टेड राइट सो वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व और सेव्ड बाय प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटैट्स जो उनके नेचुरल हैबिटैट्स से जो जहाँ पर रहते हैं वो वहीं पर अच्छे से ग्रो होंगे अगर आपका पेंगविन है पेंग्विन को हम डेजर्ट में आ कर रखेंगे तो वहाँ पर रह नहीं पाएगा बिकॉज पेंग्विन इज़ द एनिमल और बर्ड विच लिवस इन अ वेरी कोल्ड एरिया और अगर उसको उठा के हम डेजर्ट में लेकर आएंगे तो वहाँ पर रह नहीं पाएगा तो उसका नेचुरल हैबिटेट है उनको कैसे भी करके उसको बचाना है और नेचुरल हैबिटेट को बचाने के अलावा हमको करना है एंड स्टॉपिंग द ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ के लिए ट्रेड हो रहा है जिनके दांतों के लिए जिनके स्किन के लिए हम उसको मार दे रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको हमको रोकना पड़ेगा सो कंज़र्वेशन कैन ऑल्सो बी डन बाई प्रोटेक्टिंग द स्पीसीज इन आर्टिफिशियल हैबिटेट उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट इस तरह से बनाया जाए ताकि वो नेचुरल हैबिटेट की तरह ही लगे करके और बाद में हम वहाँ पर रख के भी उनको कंजर्व कर सकते हैं सो देर आर मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज विच हैव बीन क्रिएटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो ऐसे में ये के हमारे नेशनल पार्क हम उसको कहते हैं सो नेशनल पार्क दे आर स्प्रेड ओवर अ रीजन दैट इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ या सिर्फ़ और सिर्फ फ्लोरा और फौना के लिए ही है वो जो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स के लिए ही है वहाँ पर और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है जैसे एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क है बंडी बंडीपुर नेशनल पार्क है ऐसे सब थोड़े एग्जाम्पल्स है जो नेशनल पार्क्स में हमने उनको कंसिडर किया है और नेशनल uh, पार्क्स जो होते हैं उनकी बाउंड्रीज जो होती है द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क दे आर डिफाइंड उसको बताई गया है कि ये एरिया से लेकर यहाँ तक का एरिया ये दिस इज़ अंडर द नेशनल पार्क एंड दिस हेल्प्स टू कंजर्व द हैबिटेट विथ मिनिमल ह्यूमन इंटरफियरेंस यहाँ पर ह्यूमन इंटरफियरेंस बहुत 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 ही कम होता है फॉरेस्ट्री ग्रेजिंग कल्टीवेशन और वैसी uh, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ ऐसी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी से जो कमर्शियल एक्टिविटीज है यहाँ पर बिल्कुल बैन की गई है एकदम ना ही कहा गया है कि आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर नहीं होगी करके यानी हियर इट इज़ फुल्ली बैन नेशनल पार्क मतलब कोई कोई भी अंदर आ जा नहीं सकता जो यहाँ के एनिमल्स से से उनको डिस्टर्ब करने के लिए सेकेंड कम्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे आर ऑल्सो रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जैसे कि कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ है लाइफ सेंचुरीज है वेदांत अंगल बर्ड सेंचुरी है तो ये थोड़े ऐसे एग्जाम्पल्स है यहां पर क्या है द ट्रीज दे कैन नॉट बी कट डाउन एंड एग्रीकल्चर इज़ बैंड यहाँ पर ट्रीज़ काटना बिल्कुल ही मना है और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बैन किया गया है मगर थोड़े लोग जो यहाँ पर ट्रेडिशनली रहते हैं इनको परमिशन दी जाती है कि दे कैन कैरी आउट सम एक्टिविटीज़ जैसे उनको फायर के लिए खाना बनाने के लिए लकड़ियों लकड़ियों की ज़रूरत होती है या फ्रूट्स की ज़रूरत होती है थोड़े मेडिसिनल प्लांट्स की ज़रूरत होती है वाइल्ड हनी की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर थोड़े आ, एनिमल्स थोड़े ही एनिमल्स इनके यहाँ पर ग्रेजिंग करने के लिए भी इनको अलाव यहाँ पर किया जाता है फिर आता है हमारा बायोस्फीयर रिज़र्व तो व्हाट इज़ दिस बायोस्फीयर रिज़र्व अ बायोस्फीयर रिजर्व इट एम्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो उनको कंजर्व करना बर्ड्स में हो उनको कंजर्व करना एंड ऑल्सो द यूज रिसोर्स विदाउट हार्मिंग द हैबिटेट वहाँ पर जो रिसोर्स है वहाँ के जो मेडिसिनल प्लांट्स है फ्रूट्स है हम उसको वहाँ यूज तो कर सकते हैं मगर एक शर्त है कि हमको वहाँ के प्लांट्स या एनिमल्स को कोई भी हार्म हमको नहीं करना है यूनेस्को ने ऐसा आ, हमको एक कॉन्सेप्ट दिया है यू एन ई एस सी ओ यूनेस्को ने तो ये बायोस्फीयर रिजर्व इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री जोन्स तीन जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है तो एक तो ये हमारा कोर जोन कोर जोन का मतलब क्या है नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड कोर यानी एकदम बीच में जहाँ पर घने जंगल और सब कुछ होता है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल ही ना कोई भी एक्टिविटी ह्यूमंस को अंदर जाना तक यहाँ पर मना होता है फिर आता है बफर जोन एंड दिस जोन सराउंड्स द कोर जोन कोर जोन के आजू बाजू हमारा होता है एंड हियर अ लो लेवल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज देअ थोड़े बहुत यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे रिसर्च वर्क होता है एकोटूरिज़म होता है ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पर बफर जोन में वो लोग एलो लो करते हैं फिर आता है हमारा ट्रांज़िशन जोन एंड दिस जोन द ट्रांजिशन जोन इज सराउंड्स द बफर जोन बफर जोन के आजू बाजू यहाँ सबसे बीच में कोर जोन आता है उसके आजू बाजू का एरिया होता है उसको बफ़र जोन कहते हैं और उसके आजू बाजू का एरिया होता है द सराउंड इट इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन जोन तो ये ट्रांजिशन जोन होता है इट हैज़ अ वेरी रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर परमिशन दी जाती है कि थोड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो सकती है करके जैसे कि एग्रीकल्चर हो सकता है थोड़ी बहुत लोकल कम्युनिटी, ट्राइबल पीपल्स वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं करके एंड यू नो स्टूडेंट्स द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल ट्राइबल पीपल इट इज़ ऑल्सो प्रिजर्व इन बायोसफियर रिजर्व there are uh, about uh, 18 biosphere reserves in india a few examples if i give, can give you is the nilgiri biosphere reserve is there the great nicobar biosphere reserve is there sundarban biosphere reserves are there so these are some of the examples of the biosphere reserves then we have the zoological parks to zoological parks uh, what is it what happens in the zoological parks so in the zoological parks the animals live in the environments that resemble their natural habitat unka jaisa natural habitat hota hai waisa hi aisa ek habitat aisa hi atmosphere create kiya jata hai और बाद में वहाँ पर animals को रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं जूलॉजिकल parks। और ये जुअलॉजिकल पार्क का मेन नेम क्या है कि वो जुअलॉजिकल पार्क दे दे आर टू कंज़र्व द एनिमल्स इन द सेफ प्लेस उनको कंजर्व करना उनके बारे में स्टडी करना एजुकेट करना लोगों को कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है उनका इसको कैसे प्रिजर्व करना है ये सारा काम जुअलॉजिकल पार्क्स में होता है यहाँ पर आपको अगर बोले तो एनिमल्स को यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छे से दिया जाता है द एनिमल्स आर फेड रेगुलरली एंड देर आर द वेटरनरी डॉक्टर्स टू ट्रीट दें वेटरनरी डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं अगर कोई भी एनिमल बीमार हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स भी यहाँ पर होते हैं और इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एनिमल इट इज़ डिस्प्लेड फॉर द पब्लिक टू रीड जैसे हमारा यहाँ पर सरथाना नेशनल पार्क है ना वहाँ पर आप गए ही होंगे तो यू माइट बी नोइंग द आइडिया अबाउट इट दैट व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल पार्क और बाहर जो अगर टाइगर है तो टाइगर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ हो, होता है कि ये टाइगर है उसकी हाइट क्या है उसका वेट क्या होता है या कहाँ पर रहता है ये क्या खाता है वो कहाँ से पाया गया है एवरी थिंग इज़ रिटर्न ओवर हियर दिस स्टेज इज़ नोन एज द जोलॉजिकल पार्क एंड अबाउट द बॉटनिकल गार्डन्स तो ये बॉटनिकल गार्डन्स होते क्या है तो बॉटनिकल गार्डन्स में यहाँ पर अलग अलग हैबिटैट्स के अलग अलग प्लांट्स यहाँ पर होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स दे आर ग्रोन ओवर हियर एंड द प्लान्ट आर कंजर्वड डिस्प्लेड टू द पब्लिक सेंसटेडिड जैसे हमारा भी यहाँ पर एक बॉटनिकल पार्क है शायद आप गए होंगे सो यू माइट बी नोइंग द आइडिया अबाउट इट तो हमको जो इंडिविजुअल uh, एफर्ट्स हमको क्या करने चाहिए टू सी दैट दिज फ्लोरा एंड फाउना दे आर प्रिजर्व दे आर कंजर्वड तो हमको क्या करना चाहिए सो ईच ऑफ अस कैन टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट द नेचर इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड सो हियर आर सम ऑफ़ द इंडिविजुअल एफर्ट्स दैट वी कैन डू सो वॉट कैन वी डू नेवर बाई प्रोडक्ट्स मेड बाई मेड फ्राम एनीमल पार्ट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि उनके स्किन के लिए फर के लिए बोन्स है शेल uh, से हूफ से ऐसे सारे पार्ट्स बॉडी पार्ट्स एनिमल्स के हैं उनसे बनी हुई चीज़ें हमको खरीदनी नहीं चाहिए जैसे कि हम uh, हमको टाइगर के स्किन का बनाया हुआ प्रोडक्ट जो एलिफेंट का दांत है आइवरी है उनका कोई भी प्रोडक्ट या का हॉर्न है उनका कोई प्रोडक्ट ये हमको ख़रीदना नहीं चाहिए अगर हम खरीदेंगे तो ही तो जो मारने वाले पकड़ने वाले होते हैं वो इनक्रेज हो जाते हैं सो बाइंग देम इट इंकरेज पोचिंग राइट तो ये हमको नहीं करना चाहिए सेकेंड थिंग हमको क्या करना चाहिए सो प्लांट ट्रीज इन योर नेबरहुड हमारे नेबरहुड में हम प्लांट कर सकते हैं ट्रीज़ को प्लांट्स को एंड यू नो दैट प्लांट्स इट प्रोवाइड शेल्टर टू लोकल बर्ड्स एंड स्मॉल स्मॉल एनिमल्स जैसे छोटे छोटे बर्ड्स जैसे आप स्पैरो पिजन्स डवस ऐसे सारे एनिमल्स स्क्विरल्स भी होते हैं ऐसे एनिमल्स को शेल्टर मिल जाता है घर मिल जाता है ये तो एक, एक फ़ायदा हमारा ये होता है एंड विच आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट ड्यू टू अवर एक्टिविटीज़ राइट right? तो हमारे एक्टिविटीज़ के लिए उनको कोई परेशानी ना हो उनका हैबिटेट रहे इसलिए हमको ट्रीज़ को प्लांट करना है एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द गार्डन हमारे गार्डन में हम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे पेस्ट को मारने के लिए इंस्टेड वी कैन प्रैक्टिस कंपोस्टिंग और यूज ऑफ कंपोस्ट इंस्टेड इसकी जगह पर कॉम्पोस्टिंग या कॉम्पोस्ट ही पै ऐसा बना के हम एक काम कर सकते हैं और बाद में उनसे जो मैन्योर बनता है वो अपने गार्डन में हम डाल सकते हैं राइट तो बाद में हमको क्या करना करना है डू नॉट वेस्ट कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे कंजर्व रिसोर्सेस रिसोर्सेस जो भी है उनको कंजर्व करो स्पेशली मैं बात करूँ तो पेपर्स की क्योंकि आप लोगों को लिखने की आदत होती है और लिखते हो लिखते हो तो लिखते हो तो थोड़े नीचे के पेजेस नीचे के लाइन से ऐसे ही छोड़ देते हो तो दिस इज अ वेस्ट राइट हमको वेस्ट तो नहीं करना है राइट सो दैट द फॉरेस्ट दे डू नॉट हैव टू बी कट डाउन अगर हम जितना पेजेस वेस्ट करेंगे तो उतने ही ट्रीज को ज़्यादा कट करना पड़ेगा और एंड दिस विल सपोर्ट द सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो तो हमको स्पेशली हमको कंजर्व करना है राइट right? और हमको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है और एक इम्पोर्टेंट काम हम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम वॉक साइकिल और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग जहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ पर हम चल के तो जा ही सकते हैं थोड़ा दूर है तो वी कैन यूज़ अवर साइकिल्स राइट और अगर हमको कहीं दूर जाना है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं जैसे कि पब्लिक का हमारी बस आती है यहाँ पर ब्लू बस आती है रेड बस आती है तो बसेस में हम जा सकते हैं कहीं और दूर जाना है तो हम ट्रेन में जा सकते हैं तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा तो बहुत सारा होगा एक तो हमारा फ्यूल भी बचेगा और दूसरा ये ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस होगा राइट सो so, Thus, uh, we come to the end of the chapter. So, I end up over here. These are some of the questions for which you will have to write down the answers. And, students, if you have not liked, shared, and subscribed for my channel, please do the same. So, I end up over here saying bye bye to you. So, bye bye, students. Bye bye.